देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इसी बीच गुजरात में एक शख्स ने वोट डालते हुए उस पूरी प्रक्रिया को अपने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया। आरोपी का नाम विजय भाभोर है, जिसने अपने फेसबुक अकाउंट से वोटिंग करते हुए लाइव स्ट्रीम किया। शख्स ईवीएम को उठा उठाकर अपने लाइव में दिखाता है और जब आसपास के लोग उसे रोकते हैं या मना करते हैं, तभी विजय जी कहते हैं कि हमें सिर्फ 10 मिनट दीजिए, हम यहीं पर बैठे हैं, यहाँ पर वोटिंग सुबह से चल रही है। और आगे वो शख्स ये भी बोलता है कि ईवीएम हमारे बाप की है। आसपास के लोगों को ये दर्शाया जा रहा है कि देखिए इस इलाके में हमारा कितना भौकाल है। अरे साइड पर 5-10 मिनट दे डाले जाना तो नहीं आने आ रही है मशीन है अब हम बाप से नहीं मांगेगा। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फर्जी वोटिंग करने के आरोप में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अरेस्ट कर लिया है। एक का नाम विजय भाभोर है, जिसके सोशल मीडिया से ये वीडियो लाइव स्ट्रीम किया गया था, और दूसरे शख्स का नाम मनोज मगन है, जो उसका साथी था। ये वीडियो गुजरात के दाहोद लोकसभा क्षेत्र के महिसागर जिले का है। लेकिन ये विजय भाभोर है कौन? मिली जानकारी के मुताबिक ये स्थानीय भाजपा नेता रमेश भाभोर का बेटा है। रमेश भाभोर भाजपा के पूर्व तहसील अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी स्थानीय भाजपा आदिवासी मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं। इस वीडियो ने विवाद को काफी बढ़ा दिया है। ये वीडियो कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर प्रभा तावियाड़ ने जब देखा तो उन्होंने स्थानीय चुनाव अधिकारी को इसकी शिकायत कर दी। साथ ही उन्होंने दोबारा वोटिंग की भी मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने भी इस घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात में वोटर्स को धमकाने और वोट डालने से रोकने के बीच दाहोद से आए ये मामला सबसे गंभीर है। यहाँ एक भाजपा नेता के बेटे को मतदाताओं को लाइन में इंतजार कराते हुए फर्जी वोट डालते हुए देखा गया है। यहाँ तक उसने फेसबुक पर लाइव होकर ये भी कहा कि प्रशासन उसे छू भी नहीं सकता। बात करें बीजेपी से इस सीट पर कौन प्रत्याशी खड़ा था, तो दाहोद लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद जसवंत सिंह भाभोर को रिपीट किया गया था, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रभा किशोर तवियाड़ को मैदान में उतारा है। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस की लोकसभा कैंडिडेट प्रभा तवियाड़ की तरफ से भी आयोग को शिकायत भेजी जा रही है। उनका आगे ये भी कहना है कि चुनाव आयोग इस पर चुप क्यों है। साथ ही ये भी कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बीजेपी का चुनाव चिन्ह ही नहीं पहना, बल्कि वो कुर्सियों पर बैठकर बीजेपी के साथ साथ पुलिस के लिए भी काम करते रहे। इन सभी अधिकारियों को भाजपा कार्यालय जाना चाहिए और ऑफिशियल तरीके से भाजपा में शामिल होना चाहिए। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से भी ये आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है कि आरोपी विजय ने 25 पोलिंग बूथों का दौरा किया और संतरामपुर में गोतिब तालुका पंचायत में भी फर्जी मतदान किया। जब पुलिस ने इस पूरे वीडियो का संज्ञान लिया तब ये वीडियो डिलीट कर दिया जा चुका था, लेकिन ये वीडियो तब तक लाखों लोग देख चुके थे और स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर चुके थे, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट्स भी ले चुके थे। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर डीएम से रिपोर्ट मांगी है, जिस पर फैसला आना बाकी है। महिसागर जिले की कलेक्टर नेहा ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। संतरामपुर के बूथ संख्या से लाइव किए गए ईवीएम के वीडियो के बाद अब विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि ड्यूटी स्टाफ ने उस वक्त या उसके बाद चुनाव आयोग से कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई, और इसके साथ साथ पुलिस ने विजय भाभोर के खिलाफ पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इसी घटना के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव करवाने पर भी सवाल खड़े कर रही है। अब देखना ये अहम होगा कि विजय भाभोर की गिरफ्तारी के बाद गुजरात के दाहोद लोकसभा क्षेत्र में हुए इस फर्जी वोटिंग के बाद इस बूथ पर फिर से वोटिंग करवाई जाती है या नहीं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TVNet Digital पर।